हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन फाइल। और आज हम करने वाले हैं चैप्टर वाइज एमसीक्यूज ऑफ हेल्थ फिजिकल एंड योगा एजुकेशन से प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ, ताकि आपका टॉपिक भी रिवाइज हो जाए। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो चैप्टर वन में है हेल्थ एजुकेशन। व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ हेल्थ? क्या क्या डायमेंशंस होते हैं हेल्थ के? फिजिकल डायमेंशन, मेंटल डायमेंशन, सोशल डायमेंशन, या ये सभी? तो इसका राइट आंसर है ये सभी। ठीक है, जैसे इसमें देख सकते हो कौन कौन से डायमेंशंस होते हैं हेल्थ का। फिजिकल डायमेंशन होता है, एक सोशल डायमेंशन होता है, मेंटल डायमेंशन होता है, इंटेलेक्चुअल डायमेंशन होता है, और स्पिरिचुअल डायमेंशन होता है। क्लियर है? चलो, हु सेड हेल्थ इज ए मैंस फर्स्ट वेल्थ? ये किसने कहा था कि सबसे पहली कमाई एक इंसान की क्या है? हेल्थ है। इमर्सन ने कहा था, क्रो एंड क्रो ने कहा था, महात्मा गांधी जी ने कहा था, या किसी ने नहीं कहा था? तो ये बुक में डेफिनेशन दी गई है इमर्सन के द्वारा। ओके, इमर्सन ने कहा था कि हेल्थ इज मैंस फर्स्ट वेल्थ। ओके, चलो, हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग एंड नॉट मेरली द अब्सेंस ऑफ डिजीज और इनफर्मिटी। दिस डेफिनेशन इज गिवन बाय, किसने दी थी ये डेफिनेशन? ये डेफिनेशन है ब्रिटानिका की, विकिपीडिया की, WHO की, या पतंजलि जी की। तो ये पर्टिकुलर डेफिनेशन है WHO की। ठीक है, और ये डेफिनेशन आपको लिखनी भी पड़ सकती है अगर जिसका सब्जेक्टिव पेपर है। ठीक है, तो ये प्रॉपर डेफिनेशन दी गई थी WHO के द्वारा। चलो, Who said that health, healthy body is a guest house for the soul and then gufa for weak or diseased? ठीक है, कि healthy body क्या है? एक guest house है आत्मा के लिए, और एक बुरी जगह है weak और diseased body के लिए। तो ये बात किसने कही थी? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने कही थी, बैकन ने कही थी, WHO ने कही थी, महात्मा गांधी जी ने कही थी। किसने कही थी ये बात? ये पर्टिकुलर कोट या बात कही थी बैकन ने, कि जो अच्छा शरीर है वो है गेस्ट हाउस, और जो बुरा शरीर है उसके लिए फिर क्या हो जाती है आत्मा के लिए? वो बुरी जगह, डैन या गुफा। ओके, चलो, व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग हेल्थ? कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि हेल्थ को अफेक्ट करते हैं? बायोलॉजिकल फैक्टर हैं, एनवायरमेंटल फैक्टर हैं, पर्सनल फैक्टर्स हैं, या ये सभी फैक्टर्स हैं जो कि हेल्थ को अफेक्ट करते हैं? तो इसका राइट आंसर है डी, ये सभी फैक्टर्स हैं जो कि हेल्थ को या स्वास्थ्य को अफेक्ट करते हैं। व्हाट आर द एम्स ऑफ हेल्थ एजुकेशन? किस लिए पढ़ाया जाता है स्कूल्स में या कॉलेजेस में हेल्थ एजुकेशन, या किसी भी इंस्टीट्यूट में? टू अडेप्ट हेल्थी लिविंग, टीच अबाउट द फर्स्ट एड, प्रिवेंशन फ्रॉम द डिजीजेस, या ये सभी एम्स हैं हेल्थ एजुकेशन के? तो ये सभी क्या हैं? एम्स हैं हेल्थ एजुकेशन के। ठीक है, ये सभी एम्स हैं, आप पढ़ सकते हो इसमें से। प्रिवेंशन फ्रॉम द डिजीज, पर्टिकुलर एम तो यही होना चाहिए कि डिजीज से हम बच सकें, इसलिए भी हेल्थ एजुकेशन पढ़ाया जाता है। टू डेवलप सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, ठीक है, ताकि लोगों में एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आए, और जब सिटीजन हेल्दी रहेंगे तो काम अच्छे से होगा। ठीक है, मतलब हम बीमार नहीं पड़ेंगे और काम अच्छे से करते रहेंगे। टू टेक प्रिवेंटिव मेजर्स टू बी हेल्दी, ठीक है, और हेल्दी रहने के लिए जो भी जरूरी चीज़ें हैं वो भी अपनाई जाए, ये भी एक एम है हेल्थ एजुकेशन का। टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द हाइजीन एंड हाउ इट इज़ गुड फॉर हेल्थ, ठीक है, हाइजीन के बारे में बताना। जैसे आजकल कोविड का केस चल रहा है तो सभी को बताया जाता है ना कि सैनिटाइजेशन करते रहो, 2-6 फीट की दूरी बना के रखो, 2 मीटर की दूरी बना के रखो। तो ये सभी क्या हैं? हाइजीन की प्रैक्टिस है, और किस तरह से हम इसे अपने लिए यूज कर सकते हैं हेल्दी रहने के लिए। ठीक है, फर्स्ट एड की नॉलेज देना, ये भी एम है हेल्थ एजुकेशन का। टू इम्प्रूव एंड प्रमोट मेंटल एंड इमोशनल हेल्थ, ठीक है, तो इसके लिए तो काफ़ी काम होते रहते हैं, लेकिन फिर भी मेंटल हेल्थ के लिए उतना काम नहीं हो पाता है। लेकिन क्या है, हेल्थ एजुकेशन का एम ये भी है कि हम मेंटल हेल्थ और इमोशनल हेल्थ को सुधारने के लिए और उसके लिए अवेयरनेस जगाने के लिए काम करें। ओके, देन आता है रेज अवेयरनेस इन सोसाइटी फॉर ए हेल्दी लाइफस्टाइल, कि सोसाइटी में सभी लोग हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाएं, इसके लिए भी क्या है, अवेयरनेस फैलाना, ये भी क्या है, हेल्थ एजुकेशन का एम है। क्लियर है? जैसे
टाइम टू टाइम हम ऐड देखते रहते हैं ना, गवर्नमेंट की तरफ से आती रहती है कि किसी को डायबिटीज है तो ये लक्षण हो सकते हैं, आप चेक करवा सकते हो। किसी को ग्लोकोमा है तो ये लक्षण हो सकते हैं, आप चेक करवा सकते हो। तो सभी क्या है, वो अवेयरनेस प्रोग्राम्स हैं सोसाइटी में जो कि चलाए जाते हैं ताकि सभी लोग एक हेल्दी लाइफस्टाइल जी सकें, ठीक है, सभी लोग हेल्दी रह सकें। क्लियर है? चलो देन आता है चैप्टर टू, फिजिकल एजुकेशन। चलो इसमें कुछ ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं मेरे ख्याल से। तो ये ऐसे टॉपिक है ना कि इनकी क्या है कि पर्टिकुलर डेफिनेशन नहीं होती है ना। जैसे कोई पर्टिकुलर बीमारी है उसकी तो पता लग जाएगा कि ये बीमारी किससे होती है, लेकिन जो ऐसे टॉपिक्स होते हैं सबके पर्सपेक्टिव अलग अलग होते हैं, ठीक है, डिफाइन करने के। तो चलो फिजिकल एजुकेशन को किसने कहा था, ये पूरी प्रॉपर डेफिनेशन किसने दी थी कि द एम ऑफ फिजिकल एजुकेशन मस्ट बी टू मेक एवरी चाइल्ड फिजिकली मेंटली इमोशनली फिट एंड ऑल्सो टू डेवलप हिम इन सच पर्सनल एंड सोशल क्वालिटीज एच विल हेल्प हिम टू लिव हैप्पीली विद अदर्स एंड बिल्ड हिम अप एज ए गुड सिटीजन। ठीक है, हिंदी में है कि शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य हर बच्चे को शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक रूप से स्वस्थ बनाना होगा और साथ ही उसे ऐसे व्यक्तिगत और सामाजिक गुणों में विकसित करना होगा जो उसे दूसरों के साथ खुशी से जीने और उसे एक अच्छा नागरिक बनाने में मदद करेगा। तो ये डेफिनेशन किसने दी है प्रॉपर? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन नेशनल प्लान ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड रिक्रिएशन ने दी है, या सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन रिपोर्ट ने दी है, या WHO ने दी है, या किसी ने नहीं दी है। तो ये जो पर्टिकुलर डेफिनेशन है या पर्टिकुलर लाइंस हैं ये कही गई हैं मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन नेशनल प्लान ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड रिक्रिएशन ने कही है बात। ओके तो ये डेफिनेशन प्रॉपर याद रखना, आई थिंक तो पूछ सकता है ये भी। चलो सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन ने क्या कहा है ये भी मैं बता देता हूँ आपको। इन्होंने कहा है कि फिजिकल एजुकेशन इज एन इंडिस्पेंसिबल पार्ट ऑफ ऑल हेल्थ प्रोग्राम, इट्स वेरियस एक्टिविटीज शुड बी सो प्लान्ड एज टू डेवलप द फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ ऑफ द स्टूडेंट, कल्टिवेट रिक्रिएशनल इंटरेस्ट एंड स्किल्स एंड प्रमोट द स्पिरिट ऑफ टीम वर्क, स्पोर्ट्समैनशिप एंड रिस्पेक्ट फॉर अदर्स। ओके, फिजिकल एजुकेशन इज देयरफॉर मस्ट मोर देन ड्रिल और ए सीरीज ऑफ रेगुलेटेड एक्सरसाइज, की क्या है, सीरीज ऑफ रेगुलेटेड एक्सरसाइज से ज़्यादा है। ओके, यही नहीं कि बस एक्सरसाइज कर लो, फिजिकल एजुकेशन के बहुत सारे पर्सपेक्टिव हैं। हिंदी में क्या है कि शारीरिक शिक्षा सभी स्वास्थ्य कार्यक्रमों का एक अनिवार्य हिस्सा है। ठीक है, स्वास्थ्य कार्यक्रम में फिजिकल एजुकेशन तो सबसे इम्पोर्टेंट है। जितने ज़्यादा हम फिजिकली फिट रहेंगे बीमारियों के चांस उतने कम होंगे। ओके, इसके विभिन्न गतिविधियों की योजना बनाई जानी चाहिए ताकि छात्रों के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को विकसित किया जा सके, मनोरंजक रुचि और कौशल विकसित किया जा सके और टीम के काम, खेल कौशल और दूसरों के लिए सम्मान की भावना को बढ़ावा दिया जा सके। ठीक है, इसलिए शारीरिक शिक्षा ड्रिल या एक से अधिक एक्सरसाइज करना ही नहीं है। ठीक है, इससे कहीं ज़्यादा है फिजिकल एजुकेशन का मतलब। ये थोड़ा हिंदी में ट्रांसलेशन गलत हो गया, गूगल अपने आप कर देता है। चलो आई होप क्लियर है ये। देन आता है व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ फिजिकल एजुकेशन, क्या क्या इंपॉर्टेंस है फिजिकल एजुकेशन के। फिजिकल वेलबींग मतलब स्वस्थ रहना, गुड स्पोर्ट्समैन इज ए गुड सिटीजन, कि जो अच्छा स्पोर्ट्समैनशिप होगा वो अच्छा सिटीजन भी होगा। क्यों होगा? क्योंकि खेल कूद के क्या होता है, एक कोऑपरेशन की भावना आ जाती है ना, टीम स्पिरिट आ जाती है। देन है फिजिकल एजुकेशन डेवलप्स द अलर्टनेस ऑफ माइंड, कि हमारा माइंड अलर्ट हो जाता है। तो कौन सी इंपॉर्टेंस है, तो ये सभी इंपॉर्टेंस है फिजिकल एजुकेशन की। ठीक है, क्लियर है? चलो इंपॉर्टेंस यहां देख लेते हैं। ए गुड स्पोर्ट्समैन इज ए गुड सिटीजन, ही नोज हाउ टू एडजस्ट विद अदर्स, है ना, बिल्कुल टीम स्पिरिट की भावना आ जाती है, उसे पता रहता है कि किसके साथ कैसे एडजस्ट करना है, और ये कंट्री के लिए भी बहुत अच्छी बात है, एक सिटीजन बनने के लिए बहुत अच्छी बात है। क्योंकि हमें क्या है, टाइम टू टाइम कहीं ना कहीं एडजस्ट करना पड़ता है, दूसरों की हेल्प या कोऑपरेट करना पड़ता है। फिजिकल एजुकेशन डेवलप द अलर्टनेस ऑफ माइंड, कि हमारा माइंड अच्छा होता है, अलर्ट होता है। फिजिकल एजुकेशन प्रोवाइड्स नॉलेज अबाउट हेल्थ एंड इट्स हैजार्ड एंड कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस। ठीक है, फिजिकल एजुकेशन में क्या है, हेल्थ एजुकेशन भी इंक्लूड होता है, तो हमें इससे भी पता चलता है कि कौन सी कम्युनिकेबल डिजीजेस हैं, कौन सी नहीं है,
और कैसे हम अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। थ्रू फिजिकल एजुकेशन ह्यूमन बॉडी कैन बी डेवलप इन गुड प्रोपोर्शन, द फिजिकल ब्यूटी ऑल्सो इम्प्रूव। बिल्कुल अगर हम स्वस्थ रहते हैं, हम बिल्कुल फिट रहते हैं, लीन रहते हैं, तो हम बिल्कुल अट्रैक्टिव लगते हैं, और अट्रैक्टिव लगने से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हम हेल्दी रहते हैं, ठीक है, बीमारियों के चांस कम हो जाते हैं। चलो देन है फिजिकल एजुकेशन हेल्प्स इन क्रिएटिंग डिसिप्लिन थ्रू गेम्स एंड स्पोर्ट। बिल्कुल देखो गेम में रूल एंड रेगुलेशंस होते हैं और वो हमारे लाइफ में अप्लाई करने के लिए, मतलब और भी चीज़ों में डिसिप्लिन लाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। फिजिकल एजुकेशन प्रोवाइड्स ए नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज टू एनहेंस द पावर ऑफ टॉलरेंस, है ना, बिल्कुल टॉलरेंस की भी पावर आती है। फिजिकल एजुकेशन कैन बी गुड करियर चॉइस एंड हेल्प टू अर्न मनी। बिल्कुल ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि स्पोर्ट्स, अगर स्पोर्ट्स में अगर कोई अच्छा है तो स्पोर्ट्स कोटे के अलग से ही जॉब निकलती है, सरकारी जॉब भी, और कई कंपनियों में भी वैसे भी अच्छे से, मतलब उनको देखा जाता है, उनके लिए अच्छे से जॉब का प्रावधान होता है। तो जो भी स्पोर्ट्स में अच्छा होता है, जो भी फिजिकल एजुकेशन में अच्छा है, उसके लिए जॉब की चॉइस भी बहुत ज़्यादा है, या तो वो खुद भी कोच बन सकते हैं या गवर्नमेंट जॉब्स में स्पोर्ट्स कोटे में अलग से जॉब निकलती है, ठीक है। तो ये थी इम्पॉर्टेंस, और आपके मन में जो सब्जेक्टिव वालों के लिए कोई अलग से आए तो वो भी पढ़ सकते हैं। चलो देन आता है मेन एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ फिजिकल एजुकेशन, क्या क्या एम्स हैं ऑब्जेक्टिव हैं फिजिकल एजुकेशन के। मैं यहाँ पे इसलिए बता दे रहा हूँ कि आपका टॉपिक से थोड़ा ना रिलेट कर पाओ। चलो फिजिकल डेवलपमेंट है, मेंटल बैलेंस है, इमोशनल एडजस्टमेंट है, मैनुअल ट्रेनिंग है, सोशल एडेप्टेबिलिटी एंड डिजायरेबल सोशल एटीट्यूड्स है, न्यूरो मस्कुलर डेवलपमेंट भी क्या है एक एम एंड ऑब्जेक्टिव होता है, देन कल्चरल ऑब्जेक्टिव, मतलब सभी तरह के लोग आपस में खेलते हैं, कोई भेदभाव नहीं होता और प्रॉपर एक वो कॉपरेशन की भावना होती है, और कल्चरल ऑब्जेक्टिव भी होता है कि सभी एक मल्टी कल्चरल सोसाइटी की तरह काम करें। क्लियर है? तो अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आए तो जवाब दे देना आप लोग। स्कोप क्या है फिजिकल एजुकेशन की? करियर ओरिएंटेड फिजिकल एजुकेशन, गेम्स एंड स्पोर्ट्स में जा सकते हैं लोग, सेल्फ डिफेंस आ जाता है ना, जैसे ताइक्वांडो जैसे स्पोर्ट हैं, जूडो हैं, तो उनसे सेल्फ डिफेंस की एक्टिविटीज आ सकती हैं, करेक्टिव एक्सरसाइज कर सकते हैं। सपोज किसी को कोई फिजिकल प्रॉब्लम है तो वो फिजिकल एजुकेशन के थ्रू सीख सकता है कि किस तरह से एक्सरसाइज करते हैं, और किस तरह से वो जो भी उसमें कुछ पोस्चर से रिलेटेड दिक्कत है तो उसे दूर किया जा सकता है अगर वो कम है। देन रिक्रिएशनल एक्टिविटीज हैं, देन है योगिक एक्टिविटीज, ठीक है। तो ये सभी क्या हैं फिजिकल एजुकेशन के स्कोप हैं कि कहाँ कहाँ पे काम किया जा सकता है फिजिकल एजुकेशन के फील्ड में। चलो देन आता है चैप्टर 3 पोस्चर। चलो द प्रॉपर अलाइनमेंट ऑफ ऑल द बॉडी सेगमेंट्स एंड लिंकेज इज कॉल्ड एज, जब प्रॉपर अलाइनमेंट होता है सभी बॉडी सेगमेंट्स का और लिंकेज का तो उसे क्या कहते हैं? योगा कहते हैं, पोस्चर कहते हैं, पोजीशंस कहते हैं, या इनमें से कोई नहीं? तो हमने पढ़ा है जब प्रॉपर अलाइनमेंट होता है हमारे बॉडी सेगमेंट्स या लिंकेज का तो उसे कहते हैं पोस्चर, ठीक है, कि हम किस पोस्चर में हैं। पोजीशन एक अलग चीज़ है, ठीक है। चलो देन है कि द इमेजिनरी वर्टिकल लाइन, की ऐसी काल्पनिक वर्टिकल लाइन जो वर्टिकल ये होती है, ओरिजेंटल ये होती है, ठीक है। सो ऐसी काल्पनिक लाइन जो कि पास होगी कहाँ से? शोल्डर से, हिप बोन से, नी से, एंकल जॉइंट से, उसे क्या कहते हैं? हमने ये पढ़ा था गुड पोस्चर एंड बैड पोस्चर में, पोस्चर के अंदर ही। तो उस लाइन को क्या कहते हैं, क्या नाम है उसका? प्लम लाइन, वर्टिकल लाइन, क्लब लाइन या पोस्चर लाइन? तो उस लाइन को क्या कहा जाता है? उस लाइन को कहा जाता है प्लम लाइन, ओके, प्लम लाइन कहते हैं उसे। चलो देन है गुड पोस्चर, अरे सॉरी, मतलब यहाँ पढ़ लेते हैं हम क्या है गुड पोस्चर। गुड पोस्चर क्या होता है? जब स्केलेटन या मतलब हम इरेक्ट होते हैं, खड़े रहते हैं, तब हम इमेजिनरी वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर सकते हैं जिसे कहते हैं प्लम लाइन, ओके। ये कहाँ से खींची जाएगी, मतलब कहाँ से ड्रॉ होगी? ये होगी बिल्कुल एपेक्स से, सर के बिल्कुल ऊपर से। और ये कहाँ से पास होनी चाहिए? ये पास होनी चाहिए शोल्डर से, हिप बोन से, नी से एंड एंकल जॉइंट से, ठीक है। जैसा कि आप देख सकते हो
हेड शोल्डर देन हिप बोन, ये नी आ गई यहाँ पे, और ये एंकल जॉइंट, ठीक है, ये क्या है, स्ट्रेट है। आप यहाँ से यहाँ पे देख सकते हो, ये यहाँ पे ढंग से ये नहीं ड्रॉ हुई है, यहाँ पे ये घुटने आगे चले गए, तो ये सभी क्या है, बैड पोस्चर है, और ये क्या है, गुड पोस्चर है, क्लियर है। चलो, व्हेन वी सिट वॉलंटरी, जब हम स्वैच्छिक बैठते हैं तो उस पोस्चर को क्या कहते हैं, ओके, इनएक्टिव पोस्चर कहते हैं, डायनेमिक पोस्चर कहते हैं, स्टैटिक पोस्चर कहते हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो जब हम खुद बैठते हैं एक पर्टिकुलर पोस्चर में, तो उसे कहा जाता है, तो हम जब पर्टिकुलर पोस्चर में बैठते हैं, लेकिन एक ही पोस्चर में बैठे हैं, तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं स्टैटिक पोस्चर। मैं आपको समझाता हूँ कैसे। तो देखो, हमने पढ़ा था ना, इनएक्टिव पोस्चर क्या होते हैं, निष्क्रिय आसन जिसमें हम एक्टिविटी नहीं करते हैं। ये कब होता है, जब हम सोते हैं या रेस्ट लेते हैं, ठीक है, मतलब बिल्कुल नींद में होते हैं, ठीक है, अब हमें नहीं पता हम क्या कर रहे हैं, तो वो क्या है, इनएक्टिव पोस्चर, निष्क्रिय पोस्चर, हमें पता ही नहीं क्या हो रहा है। एक्टिव पोस्चर जब है, जब हम वॉलंटरी कोई काम करते हैं, ठीक है, अपनी इच्छा से कोई काम करते हैं। तो इसके दो टाइप्स हैं, स्टैटिक पोस्चर जिसे कहते हैं स्थिर आसन, और मुद्रा। अब स्थिर कब होते हैं, हम सपोज कहीं पे पर्टिकुलर हमें खड़ा रहना है बहुत देर, सिटिंग करनी है, या हम जाग रहे हैं लेकिन लेटे हैं, या नील हैं, घुटने के बल हैं, तो ये सभी क्या है, एक सक्रिय आसन है लेकिन स्थिर आसन है, ठीक है, हमें पता है हम क्या करें, लेकिन एक पर्टिकुलर सिचुएशन में है, ओके, पर्टिकुलर पोस्चर में, तो इन्हें कहते हैं स्टैटिक पोस्चर। तो क्वेश्चन था सिटिंग के बारे में, कि जब हम अपनी इच्छा से सिटिंग कर रहे हैं तो वो पोस्चर क्या कहलाता है, वो कहलाता है स्टैटिक पोस्चर, ओके। डायनेमिक पोस्चर में क्या है, गतिशील आसन, जब हम चलते हैं तो हमारी बॉडी सेगमेंट्स एंड लिंकेज आपस में सिचुएशन के अकॉर्डिंग एडजस्ट करते हैं, है ना, जैसे वॉकिंग करते हैं, रनिंग करते हैं, जंपिंग करते हैं, कोई चीज़ फेंकते हैं या कोई चीज़ लिफ्ट करते हैं, ठीक है, क्लियर है। मैं जल्दी जल्दी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये सब कुछ हम पढ़ चुके हैं। चलो, देन आता है व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ गुड पोस्चर, क्या क्या इंपॉर्टेंस है गुड पोस्चर के, ये भी हम पढ़ चुके हैं कि गुड पोस्चर से क्या होता है, अपेरेंस अच्छा दिखता है, मस्कुलर स्ट्रेंथ होती है, एक हाइजीनिक वैल्यू है, हेल्थ से रिलेटेड, या ये सभी चीज़ें हैं। तो ये सभी चीज़ें हैं गुड पोस्चर की इम्पोर्टेंस, ठीक है, तो इसलिए राइट आंसर है डी, ये गुड पोस्चर की इम्पोर्टेंस थी, कि अपेरेंस अच्छा दिखता है, मतलब जो जिसका पोस्चर अच्छा होता है, जो अच्छे से चलता है बैठता है, वो दिखने में भी अच्छा होता है, मतलब वो फिजिकली अच्छा दिखता है। हाइजीनिक वैल्यू, स्वास्थ्य संबंधी वैल्यू है, बिल्कुल, अगर आपका पोस्चर अच्छा है तो आपको बीमारियां कम होंगी, स्केलेटन से रिलेटेड, मस्को स्केलेटन से रिलेटेड, मतलब मांसपेशियों की और हड्डियों की बीमारी कम होगी। मस्कुलर स्ट्रेंथ आती है, क्योंकि सभी मसल्स और सभी हड्डियां हमारी एक प्रॉपर पोस्चर में होती हैं। इकोनॉमिक वैल्यू है, जब हम स्वस्थ रहेंगे तो अच्छे से काम करेंगे, बीमार नहीं पड़ेंगे, तो ये भी इम्पोर्टेंस है गुड पोस्चर की। सोशल वैल्यू ये है कि हम अट्रैक्टिव लगते हैं और आपको सभी प्रेज करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, ओके। स्पिरिचुअल वैल्यू, स्पिरिचुअल वैल्यू ये है कि एक स्वस्थ शरीर में एक स्वस्थ दिमाग रहता है, तो ये है इसकी स्पिरिचुअल वैल्यू, क्लियर है। चलो, द पोस्चरल डिफॉर्मिटीज विच आर प्रेजेंट फ्रॉम बर्थ आर कॉल्ड एज, ऐसी पश्चात विकृति जो कि पैदाइश से प्रेजेंट है उसे क्या कहते हैं, कंजेनाइटल डिफॉर्मिटीज कहते हैं, एक्वायर्ड डिफॉर्मिटीज कहते हैं, एक्सीडेंटल डिफॉर्मिटीज कहते हैं, या डिजीज बॉर्न डिफॉर्मिटीज कहते हैं, ठीक है। हिंदी वालों के लिए तो बहुत इजी हो जाएगा, क्योंकि कंजेनाइटल का मतलब ही क्या है, जन्मजात होता है, एक्वायर्ड मतलब जो हम एक्वायर करते हैं, एक्सीडेंट मतलब दुर्घटना से, डिजीज मतलब बीमारी के कारण कोई विकृति आ जाए, तो बहुत ईजी है। अगर कोई बर्थ से प्रेजेंट है तो उसे कहेंगे हम कंजेनाइटल डिफॉर्मिटीज या जन्मजात विकृतियां, क्लियर है। एनवायरमेंटल और एक्वायर्ड कॉजेस ऑफ पोस्चरल डिफॉर्मिटीज, एनवायरमेंटल या एक्वायर्ड कॉजेस क्या है पोस्चरल डिफॉर्मिटीज के या विकृति के, इंजरी होना, कोई हैबिट या गंदी आदत जिसके कारण हमारा पोस्चर बिगड़ जाता है,
डिजीज बॉर्न डिफॉर्मिटीज, बीमारियों के कारण कोई विकृति होना, ये सभी एनवायरमेंटल या एक्वायर्ड कॉजेस हैं। तो ये सभी कॉजेस क्या हैं? एनवायरमेंटल या एक्वायर्ड कॉजेस हैं जिससे कि पोस्टरल डिफॉर्मिटीज होती है। क्लियर है? तो इसका राइट आंसर है डी। चलो इस वीडियो में ना हम बस 3 यूनिट करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट 3 यूनिट कर लेंगे, ठीक है? इससे वीडियो छोटा भी बनेगा, अगर पूरा वीडियो बनेगा तो वो 40 मिनट से ज़्यादा हो जाएगा, तो उसमें कई बार बोरियत होने लगती है, ठीक है? तो ये थर्ड चैप्टर तक करवा देता हूँ मैं, नेक्स्ट इसका वीडियो मैं आज ही डाल दूंगा, उसमें नेक्स्ट 3 चैप्टर्स और हो जाएंगे। ओके चलो, कोजेस क्या हैं पोअर पोस्चर के? तो ये सभी क्या हैं? कोजेस हैं कंजनाइटल, या तो बीमार या तो जन्म जात हो, बाय बर्थ ही कोई बीमारी हो, देन है पर्यावरण से होना या उसका अधिग्रहित होना, ठीक है? एनवायरमेंटल या एक्वायर्ड डिफॉर्मिटीज होना। तो इसमें डिजीज से भी हो सकता है, किसी एक्सीडेंट से हो सकती है कोई डिफॉर्मिटी, मेलन्यूट्रिशन कुपोषण से हो सकता है, हमारी गंदी आदतों के कारण भी हमारी कमर में या हड्डियों में दर्द होता है, मसल्स में दर्द होता है, फटीग थकावट से, ओवर वर्क करने से भी डिफॉर्मिटी हो सकती है, कोई चोट लग जाए, इंजरी हो जाए, इम्प्रॉपर क्लोथिंग कि कपड़े बहुत टाइट हैं, कई बार जूते बहुत टाइट होते हैं तो उससे भी दिक्कत होती है, कई बार हील्स बहुत ऊंची पहनते हैं लोग तो उससे भी दिक्कत होती है, वर्कलोड से हमारी मसल्स में दिक्कत होती है, मोटापे से बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, डिफॉर्मिटी आ सकती है उससे भी, पुअर फर्नीचर, अगर आप हमारा फर्नीचर अच्छा नहीं है, चेयर्स गद्दे अच्छे नहीं है, तब भी डिफॉर्मिटी होने के चांस हैं, या हमारा पोस्चर बिगड़ने के चांस हैं, लैक ऑफ एक्सरसाइज, जब हमारी मसल्स वीक हो जाती हैं तब भी हमें इंजरी हो जाती है और कोई पोस्टरल डिफॉर्मिटीज होने का चांस रहता है। क्लियर है? चलो, द पोस्टरल डिफॉर्मिटीज इन विच इनवर्ड कर्वेचर और स्पाइन अकर्स, जिसमें इनवर्ड कर्वेचर हो जाता है स्पाइन का, उस अवस्था को, उस विकृति को क्या कहते हैं? लोडोसिस कहते हैं, अग्रकुप्चता, काइफोसिस कहते हैं कुप्चता, स्कोलियोसिस कहते हैं पार्श्वकुप्चता, या स्पाइना बाइफिडा कहते हैं। तो इनवर्ड कर्वेचर को कहते हैं हम लोडोसिस, ठीक है? लोडोसिस में बताता हूँ आपको, ये होता है लोडोसिस, इसमें इनवर्ड कर्वेचर हो जाता है, नॉर्मल स्पाइन होनी चाहिए ऐसे, लेकिन जब लोडोसिस हो जाता है तो ये हो जाती है ऐसे, और नॉर्मल स्पाइन ऐसे होनी चाहिए, ठीक है? तो आप देख सकते हो इनवर्ड कर्वेचर मतलब अंदर की तरफ स्पाइन आ गई है, ठीक है? और ये बेसिकली लंबर रीजन में होता है, इसे कहते हैं लंबर रीजन, क्योंकि ये लंबर वर्टिब्रा है, ठीक है? जो साइंस वाले वो समझ जाएंगे, ठीक है? तो इस अवस्था को कहा जाता है लोडोसिस या होलो बैक। क्लियर है? चलो, देन है द पोस्टरल डिफॉर्मिटीज पश्चात विकृति, विच ऑल्सो कॉल्ड एज राउंड अपर बैक, ठीक है? राउंड अपर बैक को और किस नाम से जाना जाता है? लोडोसिस कहते हैं, काइफोसिस कहते हैं, स्कोलियोसिस कहते हैं, या स्पाइना बाइफिडा कहते हैं। राउंड बैक होता है ये, मतलब बैक राउंड हो जाए, तो इस अवस्था को क्या कहते हैं? इस अवस्था को कहते हैं, या विकृति को कहते हैं काइफोसिस। ओके, कुप्चता, ये है कुप्चता भाई। इसमें क्या है, जो थोरेसिस रीजन है उसमें एक हम्प सा हो जाता है, ओके? और आप देख सकते हो नॉर्मल स्पाइन होनी चाहिए ऐसे, और हमारे पोस्चर के कारण, हमारी गंदी आदतों के कारण, या ये पैदाइश से भी हो सकता है, जो स्पाइन होती है वो इस तरह से आउटवर्ड कर्व हो जाती है, ठीक है? इस अवस्था को कहते हैं काइफोसिस, कुप्चता, या राउंड अपर बैक। राउंड अपर बैक मतलब ऊपर वाला हिस्सा, और ये क्या हो गया? राउंड हो गया। क्लियर है? कई तरीकों से बता दिया, भूलना नहीं चाहिए। चलो, द पोस्टरल डिफॉर्मिटीज इन विच स्पाइन कोड कर्व साइडवेज, कि जब हमारी रीढ़ की हड्डी साइड में मुड़ जाए, ठीक है? तो उस अवस्था को क्या कहते हैं? लोडोसिस कहते हैं, काइफोसिस कहते हैं, चिन और चेस्ट सिंड्रोम कहते हैं, या स्कोलियोसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? इस अवस्था को कहते हैं स्कोलियोसिस। स्कोलियोसिस होता है ये, ठीक है? जब हमारी हड्डी साइडवेज मुड़ जाए, या तो सी की शेप में हो जाए, सी बन जाए उसका, ठीक है? या एस की शेप में कर्व हो जाए वो। क्लियर है? ये बहुत रीजन से हो सकता है, इनहेरिटेड हो सकता है, मतलब अनुवांशिक कारणों से हो सकता है,
रीढ़ की हड्डी की मसल्स अच्छी नहीं है तो वो होल्ड नहीं कर पाएंगे, और ऊपर से जोर पड़ेगा तो तब भी मुड़ सकती है, या एक्सीडेंटल रीजंस हो सकते हैं, बहुत सारे कारण हो सकते हैं, ठीक है इसके। तो जब साइड भी मुड़ जाती है तो हमेशा याद रखना, इसे कहते हैं स्कोलियोसिस। ओके, पार्श्वकुप्चता, क्लियर है। चलो, द कंडीशन ऑफ डिफॉर्मिटीज इन विच इनवर्ड बेंडिंग, ठीक है, भीतर की ओर झुकना, जब नीज हमारी अंदर की तरफ झुक जाती हैं, मिलने लगती हैं, तो उस डिफॉर्मिटी को क्या कहते हैं? नॉक नी कहते हैं, बेंड नीज कहते हैं, फ्लैट फुट कहते हैं, या ज्वाइंट नीज कहते हैं। तो एक पर्टिकुलर टर्म है इसके लिए, क्या कहते हैं उसे? नॉक नीज कहते हैं, ठीक है। नॉक नीज ये होता है जब इनवर्ड बेंडिंग हो जाए, ठीक है, घुटनों की, तो यहाँ पे क्या है, नॉक नीज कहते हैं इसे, क्लियर है। और या बाय चांस ये नाम पूछ ले, बहुत ज्यादा ही टफ क्वेश्चन बना ले, तो इसे गैनू या जैनू वेलगम भी कहा जाता है। आपको जैसे प्रोनाउंस करना है वैसे कर लो आप, लेकिन याद होना चाहिए। एंड नेक्स्ट है कि ऐसी डिफॉर्मिटी जिसमें जो घुटने हैं वो आउटवर्ड बैंड हो जाए, ठीक है, बाहर की तरफ झुक जाए, क्या कहते हैं उसे? नॉक नी कहते हैं, फ्लैट फुट कहते हैं, ज्वाइंट नीज कहते हैं, या बो लेग कहते हैं। तो इसे कहा जाता है बो लेग, ठीक है। ये होता है बो लेग, जब हमारे घुटने इस तरफ मूव कर जाए तो इसको कहते हैं बो लेग। ये भी बहुत रीजन से हो सकता है, मसल्स वीक हो सकती हैं, हमारा ऊपर जो टोर्सो का वजन है, जो हमारे धड़ का वजन है, मतलब उसका वजन ज़्यादा हो जाए तो घुटनों पे ज़्यादा जोर पड़ेगा, तो वो हो सकता है इनवर्ड बेंडिंग हो जाए या आउटवर्ड बेंडिंग हो जाए, ठीक है। आउटवर्ड हो जाएगी तो उसको कहेंगे बो लेग्स, क्लियर है। चलो चलो, कौन सी डिफॉर्मिटीज या कंडीशन जिसमें हमारा जो हमारा पैर है का एंटायर सोल है, संपूर्ण तला उसका सरफेस के साथ टच कर जाता है, ठीक है, क्या कहते हैं ऐसी अवस्था को? नॉक नी कहते हैं, फ्लैट फुट कहते हैं, राउंड शोल्डर कहते हैं, या फ्लैट लेग कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? फ्लैट लेग कहते हैं, सॉरी फ्लैट फुट कहते हैं, ठीक है। फ्लैट फुट होता है ये, नॉर्मली हमारे पैरों में ये जगह होती है, ये आर्च होता है, थोड़ा स्पेस होता है, ठीक है। फ्लैट फुट में क्या होता है, ये बिल्कुल तला सीधा जमीन पे पड़ता है, ठीक है। अब जमीन पे पड़ता है तो इसको माना जाता है कि जो यहाँ की हड्डियाँ हैं या जो यहाँ से ऊपर से फोर्स पड़ता है, इंजरीज के चांस ज़्यादा होते हैं। यहाँ पे एक कर्व है, यहाँ पे थोड़ा स्पेस है, तो इसमें क्या है, थोड़ा सोक एब्जॉर्बिंग अफेक्ट आ जाता है, ठीक है, क्लियर है। इसे कहते हैं फ्लैट फुट, पैस प्लैनस, या फॉलन आर्चेस, क्लियर है। सो आई थिंक वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा हो गया, ठीक है, तो बाकी जो 3 यूनिट है मैं नेक्स्ट वीडियो में डाल दूंगा, नेक्स्ट पार्ट में डाल दूंगा। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।